हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका अपना दोस्त सतेंद्र चौधरी। आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस लेक्चर में हम बात करेंगे वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। तो आप सभी को पता है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन VOCs के साथ मिलके इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट फोटोकेमिकल स्मोक बनाते हैं। तो फोटोकेमिकल स्मोक को अच्छे समझने के लिए हमें दो चीज़ों का समझना ज़रूरी है। पहले ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, जिस पे हम क्राइटेरिया पोलुटेंट है एक डिस्कशन कर चुके हैं। तो इसके साथ में हमें VOCs के बारे में भी पता होना बहुत ज़रूरी है। नाम से ही पता चल रहा है, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो बेसिकली ये निकलते कहाँ से हैं? ये आपका जहाँ पे आप तेल की पाइपलाइन होंगी, पावर प्लांट होंगे, वहाँ से इनका मेन सोर्स है। बेसिकली क्या होता है, अगर आप तेल की पाइपलाइन की बात करो तो उससे आपके बहुत सारे सॉल्वेंट इवेपोरेट होंगे, उनके साथ में बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो इवेपोरेट होंगे। तो उसमें क्या है, ऑर्गेनिक आपके वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। वोलेटाइल वर्ड से ही आपको पता चल रहा है कि ये बहुत जल्दी उड़ जाते हैं। इसके अलावा जब आप पावर प्लांट में कोल बर्न कर रहे हो तो कम्बशन के दौरान जो क्या हो रहा है, इनकम्प्लीट कम्बशन हो रहा है। इनकम्प्लीट कम्बशन की वजह से आपके अनबर्न हाइड्रोकार्बन निकल रहे हैं, आपके पार्शियली बर्न हाइड्रोकार्बन निकल रहे हैं, तो उसके साथ साथ भी आपके VOCs निकलते हैं। तो सिंपली सबसे पहले हमने सोर्स देख लिया, जो आपका मैन मेड सोर्स है। ठीक है, ये नेचुरल सोर्स नहीं है, ये एक एंथ्रोपोजेनिक सोर्स है, मैन मेड सोर्स है। इसके अलावा नेचुरल सोर्स भी हैं। नेचुरल सोर्स में आपके जो हाइड्रोकार्बन्स निकलते हैं वो, उसकी पूरी लिस्ट आपकी गिलबर्ट मास्टर की बुक में दी हुई है। जैसे ओक हो गया आपका, ठीक है, यूकेलिप्टिस हो गया, सिट्रस ट्री हो गया, ये सारे के सारे आइसोपायरीन रिलीज करते हैं। इसके अलावा आपके पाइन हो गया और आपका मैफले हो गया, ये सारे के सारे मोनो टेफ्रिन जो है ये हाइड्रोकार्बन रिलीज करते हैं। तो आपने क्या करना है, इनको अच्छे से अपना नोट डाउन कर लेना है, मैन मेड सोर्स और नेचुरल सोर्स। कई बार पूछ लेते हैं कि भाई वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेचुरल सोर्स क्या है। तो ऐसे तो पूरी लिस्ट इसकी है वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, बट हमारा जो मेन मोटिव है वो है जो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ज़्यादा रिएक्टिव हैं उन पे हमारा फोकस रहता है, क्योंकि वो ही क्या है, फोटोकेमिकल स्मोक में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। तो हम इसमें से जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं आपके, लेस रिएक्टिव है मिथेन, मिथेन को निकाल देते हैं, और बाकी के जितने आपके हाइड्रोकार्बन्स बचे हैं उनको टोटल नॉन मिथेन ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा गया है। ये जो टोटल नॉन मिथेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये ही बेसिकली फोटोकेमिकल स्मोक के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो और जब हम अब ऐसे प्रैक्टिकली चेक भी करते हैं तो उसमें नॉन मिथेन ऑर्गेनिक कंपाउंड ही हम चेक करते हैं, क्योंकि मीथेन क्या है, वो लेस रिएक्टिव है या कम रिएक्टिव है। अगर आप हेल्थ इफेक्ट की बात करो तो इंडोर एरिया में आपके इसकी बहुत बड़ी लिस्ट है हेल्थ इफेक्ट की, VOCs की। उसमें आपको कैंसर तक हो सकता है अगर ज़्यादा VOCs के आपके एक्सपोजर में कोई आता है तो। तो बेसिकली तो हमारा यहाँ पे इसको पढ़ने का एक ही मोटिव है कि हमें फोटोकेमिकल स्मॉग के फॉर्मेशन को जानना है, जिसमें VOCs जो हैं वो एक्टिव रोल प्ले करते हैं। तो इस लेक्चर में आपने मेन फोकस जो रखना है, सबसे पहले VOCs आते कहाँ से हैं, उसके दो सोर्सेज हैं, पहला आपका एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज हो गया, दूसरा आपका मैन मेड सोर्स हो गया। तीसरा पॉइंट इम्पोर्टेंट ये है कि भाई आपने ये देखना है कि नॉन मिथेन
हाइड्रोकार्बन पे हमारा ज़्यादा फोकस है, क्योंकि मीथेन जो है वो कम रिएक्टिव है। इसके बाद में हम पढ़ क्यों रहे हैं इसको, बिकॉज़ ये फोटोकेमिकल स्मोक में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। लगभग इतना ही उस आपकी बुक में दिया हुआ है, उस चैप्टर टॉपिक को आप अच्छे से एक बार देख लें। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स निकाल के मैंने यहाँ पे रख दिए। नेचुरल सोर्सेज की लिस्ट बना लेना, मैनमेड जो है वो तो सिंपली आपको समझ में आ ही गया होगा, और इसको एक बार देख लेना। इस पे अगर क्वेश्चन आपको बनता है VOCs पे, सबसे पहले VOCs होते क्या हैं, फिर उसके नेचुरल सोर्सेज क्या हैं, इस टाइप से आपको एक दो क्वेश्चन इस पे मिल सकता है। तो दोस्तों आई थिंक ये इसमें कुछ ज़्यादा ऐसी डिफ़िकल्ट वाली कोई चीज़ नहीं थी, आसानी से आप कोई चीज़ समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट आपको लगता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, डेफिनेटली हम उस पर डिस्कशन करेंगे। दोस्तों सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेरी बेस्ट विशेज़ आपके साथ में है। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।